नमस्ते, मैं सुमन शर्मा। मैंने अपनी इस वीडियो में स्वीट कॉर्न यानी कि भुट्टे के दाने हम बड़ी आसानी से कैसे निकाल सकते हैं यह बताया है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज हम निकालेंगे भुट्टे के दाने। तो भुट्टे के दाने निकालने के लिए दोस्तों पहले हम इसका ये छिलका निकाल लेते हैं, जितना भी ये छिलका है सारा निकाल लेते हैं। भुट्टे के दाने हम बड़ी आसानी से और कम समय में निकाल सकते हैं। हम बाजार से भुट्टे के निकले हुए दाने लाते हैं जो कि कई दिनों के रखे भी होते हैं और जिसके कारण उनकी मिठास काफी कम हो जाती है, क्योंकि वो कई दिनों के रखे होते हैं और उतने ताजगी भरे भी नहीं होते खाने में और उतने फायदेमंद भी नहीं होता। इसका ये जो है सारा ये धागे से ये भी हटा के एक तरफ कर लेंगे। और इसे हम फेंक देंगे और अब हम इस भुट्टे के दाने निकालेंगे। तो इसके दाने निकालने के लिए, भुट्टे के दाने निकालने के लिए हम इसे बीच में से काट देंगे। ऐसे बीच में से काट देना है या ऐसे ही टुकड़े कर लेना है बीच में से, और फिर आप चाहें तो इस तरह से भी बड़ी आसानी से इसके दाने निकल जाते हैं ऐसे। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप और दूसरी तरह से ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे ये बीच की एक लाइन या दो लाइन आप पहले दाने निकाल लें। ऐसे ये लाइन पूरी क्लियर करने के बाद आप फिर ऐसे आसानी से और भी आसानी से ऐसे दाने निकाल सकते हैं। बस जो पहली लाइन आप निकालेंगे उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में और सारे दाने बहुत आसानी से निकलते चले जाएंगे ऐसे। ये और भी आसानी से निकलते हैं ऐसे, ये देखिए फटाफट और कितनी जल्दी दाने निकलते हैं और दाने टूटते भी नहीं है और इतनी जल्दी आधे भुट्टे के दाने निकल चुके हैं। ऐसे ही इसके भी निकाल लेंगे। बस ये जो पहली लाइन आप निकालेंगे इसमें थोड़ी देर लगती है और उसे निकाल लेने के बाद जब आप दूसरी लाइन के निकालेंगे तो बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। और ये एक लाइन साफ हो जाने के बाद दूसरी तो बहुत आसानी से, फिर ऐसे भुट्टे के दाने बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए, इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। ये देखिए, बस ये बीच की जो लाइन है उसको निकालने में थोड़ी देर लगती है, फिर उसके बाद तो सारे दाने अपने आप ऐसे करने से निकल आते हैं। देखिए और ये बिल्कुल कच्चे दाने हैं। जब भी आप भुट्टा देख के लाएं तो भुट्टा पका हुआ ना लाएं, कच्चा भुट्टा लाएंगे वो उतना ही मिठास भरा होगा। देखिए भुट्टा छोटा था तब भी कितने दाने निकल आए हैं और बड़ी आसानी से दाने निकाले जा रहे हैं। तो आप किलो के हिसाब से ये भुट्टे लाएं, आपको सस्ते भी पड़ेंगे और ताजगी अच्छे भी लगेंगे खाने में ये दाने। तो आप ऐसे सारे दाने इसके निकालने के लिए, इसको बीच में से हमने काटा है और बड़ी आसानी से हमने ये दाने निकाल लिए हैं। ये दाने सारे निकाल लेने के बाद आप चाहें तो इन्हें उबाल कर खाएं या चटपटी सलाद के रूप में कैसे भी खाएं। तो इस तरह से आप भुट्टा लाएं और सस्ते भुट्टे लाएं और आराम से घर में दाने निकालें और उसी टाइम खाएं। क्यों बासी दाने खाएं जिससे कि फायदा भी ना हो और नुकसान ही नुकसान है और टेस्टी भी ना लगे, उनकी मिठास भी कम हो जाती है। तो आप इस तरह से दाने निकाल कर खाएं।